दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं हमारे इस वीडियो के जरिए आपसे बात करने जा रहा हूँ हिंदी करंट पे 2018 के विषय में। चलिए ये शुरुआत करते हैं आज की हमारे इस वीडियो की। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के स्कूल में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के तहत स्कूल में एंट्री करते ही शिक्षकों को मोबाइल स्कूल हेड के पास जमा कराना होगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिले के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल मुखिया को स्टाफ के मोबाइल प्रयोग न करने का सर्टिफिकेट देना होगा। अगर सर्टिफिकेट देने के बाद भी स्कूल में कोई शिक्षक मोबाइल का उपयोग करता हुआ दिखाई देता है तो स्कूल मुखिया के खिलाफ विभाग एक्शन ले सकता है। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत में पहला इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर होगा भारत का पहला इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर रायपुर में शुरू किया गया है। ये देश का पहला ऐसा कमांड सेंटर है जिससे पूरे शहर पर निगरानी रखी जाएगी। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय ने गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा गावित मुरली कुमार ने गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। गावित मुरली कुमार ने पुरुषों की 10,000 मीटर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। मुरली कुमार ने यह रेस 28:43.44 में पूरी की है। मुरली कुमार 10,000 मीटर की रेस को सबसे कम समय में पूरे करने वाले दूसरे भारतीय हैं। जैसा कि फोन नंबर क्वेश्चन है, सविटी बुरा का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा सविटी बुरा का संबंध मुक्केबाजी से है। हाल ही में सविटी बुरा ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग की उमा खनौ मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। सविटी बुरा ने उमा खनौ मेमोरियल मुक्केबाजी की फाइनल मुकाबले में रूस की अन्ना अफिनो जिनोवा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। जैसा कि फ्रेंड्स पांच नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रैगन बोट फेस्टिवल किस देश में मनाया जा रहा है? तो बता दें इसका उत्तर आपको, ड्रैगन बोट फेस्टिवल चीन में मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल प्रतिवर्ष ल्यूनर ईयर के पांचवे महीने की पांचवें दिन चाइनीज विद्वान कु युआन की याद में मनाया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 आता है, डॉक्टर सीवी रमन को लेलिन शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सीवी रमन को लेलिन शांति पुरस्कार से 14 जून 1958 को सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सीवी रमन को लेलिन शांति पुरस्कार से क्रेमलिन में सम्मिलित किया गया था। जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, जापान में इतिहास की सबसे बड़ी विनाशकारी सुनामी कब आई थी? तो इसका आंसर होगा जापान में इतिहास की सबसे बड़ी विनाशकारी सुनामी 15 जून 1896 में आई थी। इस सुनामी में करीब 22,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस सुनामी की लहरें 80 फीट से 125 फीट ऊंची थी। जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंट एंथनी डे कब मनाया जाता है? तो बता दें इसका आंसर आपको, सेंट एंथनी डे प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। ये दिवस पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में मनाया जाता है। ये दिवस लिस्बन के संरक्षक सेंट एंथनी की याद में मनाया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। ये दिवस सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जैसा कि फ्रेंड 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, अमेरिका ने नीली सतह पर 13 सफेद तारों का चित्रण वाला झंडा कब अपनाया था? तो इसका आंसर ये होगा कि अमेरिका ने नीली सतह पर 13 सफेद तारों का चित्रण वाला झंडा 14 जून 1774 में अपनाया था। जी हां, अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के वो उपनिवेश जो बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाए, वे साल 1774 में एकजुट हुए जिससे कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का गठन हुआ था। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, उसके मुताबिक झंडे में 13 लाल और सफेद पट्टियां होनी थी। इसके अलावा संयुक्त राज्य के प्रतीक के तौर पर नीली सतह पर 13 सफेद तारों का चित्रण तय किया गया था। इसका आशय था कि ये तारे एक नए नक्षत्र का आगाज करेंगे। इसके बाद झंडे में लकीरों और तारों की संख्या में कई बार तब्दीली की गई। सन 1818 में अमेरिकी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि पट्टियों की संख्या में इजाफा नहीं होगा, यानी वो हमेशा 13 ही रहेंगी, पर नया राज्य जुड़ने पर तो झंडे में एक नया तारा जोड़ ही दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।